What's up everyone welcome back to the channel this is your one day before exam revision और ये रिवीजन आपको मदद करेगा बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कराने में तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ और इसको हम रिवाइज कर लेंगे बहुत ही कम समय में चलिए लेट्स बिगेन

इसके बाद हम लोगों ने बेटा स्टॉक फ्लो पढ़ा रियल फ्लो मनी फ्लो पढ़ा स्टॉक फ्लो क्या होता है कोई भी वेरिएबल जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर जाता है उसे स्टॉक बोलते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर कर जाता है उसे फ्लो बोलते हैं यानी कि जिसके अंदर भी समय आ गया समय सीमा आ गई कि यहां से यहां तक वो फ्लो है एक टाइम पे है तो वो स्टॉक है यानी इसके अंदर कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता इसमें टाइम डायमेंशन होता है इसको स्टेटिक बोलते हैं इसको हम डायनामिक बोलते हैं फिर एग्जाम्पल गए देखो वेल्थ आ गया कैपिटल आ गया बैंक बैलेंस आ गया ये स्टॉक है और नेशनल इनकम प्रोडक्शन ये फ्लो है रियल फ्लो मनी फ्लो किसको बोलते थे फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विस अगर हो रहा है तो उसको हम रियल फ्लो बोलेंगे फ्लो ऑफ मनी हो रहा है तो उसको हम मनी फ्लो बोलेंगे इसमें एक्सचेंज होता है गुड सर्विस का इसमें एक्सचेंज होता है मनी का अब जहां मनी आएगा वहां बाइटर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि बैटर की प्रॉब्लम तब होती है जब गुड्स के बदले में गुड्स बदले जाते हैं जहां गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे वहां बैटर की प्रॉब्लम होगी दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना इसको फिजिकल फ्लो बोलते हैं इसको नॉमिनल फ्लो बोलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग एक छोटे से कॉन्सेप्ट की तरफ जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी

नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है एक इंडिविजुअल या एक इंस्टीट्यूशन जो ऑर्डिनरली है किसी भी कंट्री में फॉर मोर देन वन ईयर एक साल से ज्यादा और उसका खाना कमाना खर्चा वहीं से होता है यानी उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं होता है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में होता है ये हमारे पास नॉर्मल रेजिडेंट आ जाता है इसके बाद सिटीजनशिप रेजिडेंटिप एक कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप यानी किसी भी देश का कोई सिटीजन कब हो सकता है याद रखेंगे सिटीजन एक लीगल कॉन्सेप्ट है याद रखना ये कैसा कॉन्सेप्ट है लीगल कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर हम लोग ये कंसिडर करके चलते हैं कि या तो बाय बर्थ सिटीजनशिप मिलती है या फिर उसकी सरकार अलाउ करे किसी भी देश की रेजिडेंटशिप एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, है यानी कि रहने की बात हो रही है जहां से वो पैसा कमाना खाना खर्चा कर रहा है वहां पे रेजिडेंटशिप हो जाती है एक इंडिविजुअल नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है किसी भी कंट्री का अगर वो एक साल से ज्यादा वहां पर रह रहा है और उसका खाना कमाना खर्चा वहीं हो रहा है सिटीजन तभी होगा या तो वो वहां पर बॉर्न हुआ है या फिर उसको गवर्नमेंट ने अलाउ करा है सिटीजनशिप दी है नेक्स्ट आता है फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम फैक्टर इनकम वो इनकम है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है उनके सर्विसेज के बदले में फैक्टर सर्विसेज के बदले में ट्रांसफर इनकम वो इनकम है जो मुफ्त में मिलती है जिसके बदले में ऐसा कोई भी बहुत बड़ा काम नहीं करा गया है इट टू इनकम रिसीव बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इट रेफ टू इनकम रिसीव विदाउट गिविंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज याद रखेंगे फैक्टर इनकम दोनों जगह ऐड होगा डोमेस्टिक में भी नेशनल इनकम में भी ट्रांसफर इनकम कहीं भी इंक्लूड नहीं होगा वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसफर इनकम नेशनल डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होता बेटा जी फैक्टर इनकम एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है कमाना पड़ता है ट्रांसफर इनकम रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है बस मिल जाता है ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है ये हाउस होल्ड और गवर्नमेंट को मिलता है एग्जाम्पल से याद रखेंगे रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट ट्रांसफर इनकम का स्कॉलरशिप ओल्ड एज पेंशन ये आपको पता होना चाहिए अब ट्रांसफर में दो प्रकार के ट्रांसफर होते हैं ये भूल जाते हैं बच्चे यूजुअली तो इसको बड़े ध्यान से समझ लो जो ट्रांसफर्स इनकम में से करे जाते हैं उनको करंट ट्रांसफर बोलते हैं जो ट्रांसफर्स वेल्थ में से करे जाते हैं उनको कैपिटल ट्रांसफर्स बोलते हैं करंट ट्रांसफर्स रेगुलर नेचर के होते हैं कैपिटल ट्रांसफर इेगुलर नेचर के होते हैं करंट ट्रांसफर जो होते हैं वो कंजम्पन पर्पज के लिए करे जाते हैं अब भाई इनकम में से कोई पैसा निकाल के दे रहे हो तो कंजम्शन पर्पज के लिए होगा ना और यहां से जो ट्रांसफर जाते हैं वेल्थ में से तो वेल्थ में से एसेट्स लाइबिलिटी गई होगी उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं एग्जाम्पल याद रखेंगे ओल्ड एज पेंशन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ये सब करंट ट्रांसफर्स का एग्जाम्पल है इन्वेस्टमेंट ग्रांट यानी इन्वेस्टमेंट दे दी गिफ्ट के फॉर्म में वार डैमेजेस कैपिटल गेन टैक्स ये सब कैपिटल ट्रांसफर्स हैं इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है फाइनल गुड इंटरमीडिएट गुड जो भी गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं यानी उसके अंदर अब कुछ नहीं होना वो फाइनल है उनको हम फाइनल गुड बोलते हैं जो भी प्रोडक्शन बाउंड्री में है जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है उनका फॉर्म चेंज होगा उनको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं ठीक है दूसरी चीज जो इंटरमीडिएट गुड होते हैं या तो वो रीसेल के लिए होते हैं या फिर वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए होते हैं जबकि फाइनल गुड्स या तो कंजम्पन पर्पज के लिए होते हैं या इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए होते हैं ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्या है फाइनल गुड्स गुड्स वर आर फॉर दोन और फॉर इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट गुड्स किस लिए होते हैं या तो रीसेल या फिर फर्दर प्रोडक्शन फाइनल गुड्स इंक्लूड होंगे दोनों नेशनल डोमेस्टिक इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होंगे ये रेडी फॉर यूज है ये रेडी फॉर यूज नहीं है ये प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं ये अभी प्रोडक्शन बाउंड्री में है ठीक है फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स आ गए जैसे दूध हाउस ने घर में किसी ने खरीदा फाइनल है वही दूध किसी चाय वाले ने खरीदा तो उसके लिए इंटरमीडिएट है ठीक है फिर जो फाइनल गुड्स होते हैं बेटा वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं कौन कौन से दो पार्ट्स कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स ये फाइनल गुड्स के पार्ट है ठीक है अब जो कंजशन गुड्स होते हैं वो भी चार पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं ड्यूरेबल सेमी ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल सर्विसेज ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कंज्यूमर हूं अब मैंने बींग कंज्यूमर चाय पत्ती खरीदी तो मेरे लिए वो एक गुड है फाइनल तो है ही है फाइनल के ही पार्ट्स हैं गुड है और के बाद बस वो ऐसा मान लूंगा कि मैं इमीडिएटली कंजम्पन कर लूंगा भैया दो चार दिन रख लूंगा ठीक है तो मेरे लिए वो सीधा सीधा आ जाएगा किसके अंदर नॉन ड्यूरेबल में आ जाएगा कपड़े वगैरह अगर हम ले लेते हैं तो ये सेमी ड्यूरेबल में आ जाते हैं कि ठीक है यार रखे नॉन ड्यूरेबल हम लोग ले लेते हैं सॉरी ड्यूरेबल हम लोग ले लेते हैं जो लंबे समय तक चलता है लंबे समय तक हम लोग ले सकते हैं कि हमारे घर में फर्नीचर पड़ा है हमारे घर में कोई भी ऐसी चीज पड़ी है तो ये सब ड्यूरेबल कंजम्पन गुड्स है राइट right? गुड्स जो बच गया वो सब सर्विसेज है सर्विसेज अगर कोई भी कंज्यूमर कोई सर्विसेज ले रहा है तो वो चौथे पार्ट में आ जाती है ठीक है और अगर हम बात करें किस चीज का कंजम्पन हो गए उसके बाद हमारे पास बन जाते हैं कैपिटल गुड्स कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं जो जो फर्दर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करेंगे ठीक है जो यूजुअली एक साल से ज्यादा पड़े रहते हैं सही हो गया नहीं हो गया वो सब कैपिटल गुड्स हो जाते हैं तो क्या जाता है यहाँ पे देखो दीज गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स डायरेक्टली इनकी डायरेक्ट डिमांड होती है ड्यूरेबल सेमी ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज हो सकते हैं कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं जो ह्यूमन वॉन्ट्स इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं ठीक है अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि एक कार डीलर ने गाड़ी खरीदी कार डीलर ने गाड़ी खरीदी रीसेल के लिए तो अगर रीसेल के लिए हो गया तो वो उसके लिए एक इंटरमीडिएट गुड हो गया ठीक है

दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी या प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते हैं सही है कंजम्शन गुड्स की यूजुअली लिमिटेड लाइफ होती है और कैपिटल गुड्स की यूजुअली मोर देन वन ईयर लाइफ होती है डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस दिस इज इंपॉर्टेंट इसको बिल्कुल भी स्किप करके मत जाना डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है जब किसी भी एसेट की वैल्यू कम होती है डिग्रेड होती है नॉर्मल वियर एंड ईयर से यूजेज से ऑब्सोलेसन से तो इसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस क्या होता है अगर वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए एक चीज से प्रोडक्शन प्रोसेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे मैं माइक यूज कर रहा हूँ ये दिन ब दिन इसकी वैल्यू कम हो रही है लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है लेकिन अगर ये चोरी हो जाए कैपिटल लॉस हो जाएगा प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा ठीक है तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन के लिए हम प्रोविजंस बना के चलते हैं रिप्लेसमेंट और रिपेयर के जबकि कैपिटल लॉस का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता नेक्स्ट इज डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम दिस डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इसको आपको ध्यान से तैयार करना है डोमेस्टिक इनकम जो है एक टेरिटरी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल भी मत भूलना डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी इंपॉर्टेंट होता है नेशनल इनकम एक नेशनल कॉन्सेप्ट है इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास जो नॉर्मल रेजिडेंट है नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा इनकम होनी चाहिए वो नेशनल इनकम में आ जाती है डोमेस्टिक टेरिटरी वाली इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं रखता ठीक है है अब क्या है इसके अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल द द नॉर्मल रेजिडेंट्स नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए इनकम चाहे हमारे देश में हो चाहे बाहर से आ रही हो ठीक है इसमें एन नहीं आता इसमें एन आ जाता है नेक्स्ट क्या आता है अब नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के हमारे पास कितने मेथड्स हैं आपको पता होना चाहिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं सबसे पहले मेथड को हम बोलते हैं वैल्यूएडेड इनकम मेथड एक्सपेंडिचर वैल्यू वैल्युएडेड मेथड कब यूज होता है जब जो इनकम है वो डिफरेंट फेसेस में हो रही हो इनकम कब हो रही हो डिफरेंट फेसेस में कि पहले एक फेस फिर दूसरा फेस फिर तीसरा फेस वैल्यू एडिशन हो रही हो हर फेस पे वैल्यू एडिड रेफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल बाय अ फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी वैल्यू एडिड का फॉर्मूला क्या है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इसको हम बोलते क्या है इसको हम जी वी एट एम पी भी बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस इसी का दूसरा नाम होता है जी डी पी एट एम पी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ये आपको पता होना चाहिए इसके बाद स्टेप्स एग्जाम में आ सकते हैं स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट कैसे वैल्यूएडिड मेथड से हम नेशनल इनकम निकालते हैं नंबर वन आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स पहले प्रोडक्शन यूनिट्स को क्लासिफाई करो सबको एक साथ जोड़ लो कौन सा प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर टर्सरी सेक्टर में वैल्यू एडिशन हो रहा है सबको एड कर लो उसके बाद जी डी एट एम निकाल दो इसी को हम जी वी एट एम भी बोलते हैं उसके बाद यहाँ से डोमेस्टिक इनकम पे जाओ यानी जी डी पी एट एम पी से एनडीपीएट एफ सी पे जाओ आप कैसे जाते हो जी डी पी एट एम पी से एनडीपीएट एफ सी पे ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा माइनस डेप्रिसिएशन डीपी डीपी सेम है कुछ नहीं करना मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो क्या करना पड़ेगा माइनस एन आई टी आपको पता होना चाहिए ठीक है अब इसके बाद क्या आ जाएगा बस हम लोग इसमें एन एफ आई एड करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे नेशनल इनकम पे ये स्टेप्स हैं वैल्यू एडेड मेथड के ऐसे ही आपको लिख के आने हैं सिंपली ओके इसके बाद आ जाता है प्रिकॉशंस जो आपको याद रखने हैं वैल्यू एडेड मेथड में क्या क्या इंटरमीडिएट गुड्स काउंट नहीं करने सेकेंड हैंड गुड्स अगर हैं सेल परचेज है वो कंसिडर नहीं करने प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड नहीं करनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजन इंक्लूड करने हैं ये याद रखना प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती सेल्फ कंजम्शन के लिए गुड्स इंक्लूड होते हैं क्यों होते हैं सर क्योंकि उनके आप वैलू निकाल सकते हो गुड्स की ठीक है इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्युपाइड शुड भी इंक्लूडेड ऑनर ऑक्युपाइड हाउस का इंप्यूटेड रेंट वो हम इंक्लूड करते हैं चेंज इन स्टॉक विल भी इंक्लूडेड चेंज इन स्टॉक का फॉर्मला क्या होता है सर यहाँ पे चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इसके बाद एक प्रॉब्लम आ जाती है डबल काउंटिंग प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है काउंटिंग होता है तो उसको हम डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के दो तरीके होते हैं एक होता है method, एक होता है आपने पढ़ी लिया फाइनल आउटपुट मेथड ये बोलता है कि जो लास्ट में वैल्यू आई है ना बस वो ले लो उसको हम क्या बोल देते हैं फाइनल आउटपुट क्या मतलब, है, सर? इसका मतलब ये है कि जब हम नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन है ना सपोज किसी फार्मर ने जीरो से पांच सौ का वीट बनाया फिर वो वीट किसी ने खरीद लिया उससे आटा बना दिया आठ सौ का फिर वो आटा किसी ने 800 का खरीद लिया उसने एक हजार रुपए के बिस्किट बना दिए तो हम लोग क्या बोलते हैं देखो कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है यहाँ पे 500 का वैल्यू एडिशन यहाँ पे 300 का वैल्यू एडिशन यहाँ पे 200 का वैल्यू एडिशन तो हम बोलते हैं जीवीआरपी एक हजार आएगा ये तो हो गया वैल्यू एडिड मेथड फाइनल आउटपुट बोलता है आखिरी वाला ले लो कि आखिरी वाले ने कितनी वैल्यू जनरेट एक हजार है ना तो ये आपका जीवीआईटी हो जाएगा ठीक है तो डबल काउंटिंग अवॉइड करने के दो तरीके हैं देखो जैसे इसके अंदर आठ सौ में पांच सौ का तो आटा ही है ना वीटी है ना इस आ, इस हजार में आठ सौ का तो आटा ही है ना परफेक्ट है ना तो ये आपको ध्यान रखना है इसके बाद क्या होता है अच्छा ये याद रखना वैल्यूट मेथड इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड इसके बाद फैक्टर इनकम क्या क्या होता है हमारे पास अगर आपको फैक्टर इनकम देखना हो तो योजन उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेंट एंड रॉयल्टी इसका मतलब जो हमारे पास कॉम्पनसेशन ऑफ इम्प्लॉयज है जो हमारे लेबर को पैसा मिलता है सीओई उसके तीन कॉम्पोनेट्स होते हैं एंड विजिल्स इन कैश विजिलइंड एंड इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन बेटा याद रखना इंप्लॉय नहीं एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन उसके बाद रेंट एंड रॉयल्टी हम लोग ले लेते हैं रेंट एंड रॉयल्टी बेसिकली ये प्रॉपर्टी इनकम होती है इसके बाद इंटरेस्ट इंटरेस्ट आपको मिलता है ये भी हमारे पास फैक्टर इनकम का पार्ट बनता है देन वी हैव प्रॉफिट प्रॉफिट के भी कुछ पार्ट्स हैं कॉर्पोरेट टैक्स डिविडेंड और रिटेन अर्निंग्स मैं इसको याद करता हूँ डॉक्टर कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट डी इज 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 डिविडेंड आर रिटेन अर्निंग सी टैक्स ठीक है देन वी हैव इनकम इनकम क्या होती है हमारे पास uh, जो भी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं अपने लिए खुद बिजनेस कर रहे हैं उनकी इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं मिक्सड इनकम जैसे सोल प्रोपराइटर्स हैं प्रोफेशनल्स हैं वो खुद काम करके कमा रहे हैं ना वो सब इसमें आ जाते हैं इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर्स जैसे फार्मर बार बार अन इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज रिटेल ट्रेडर्स स्मॉल शॉपकीपर्स वो सब इसमें आ जाते हैं ठीक है इसका मतलब जब भी हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि पांच चीजें हैं जो हमारे पास आती हैं कौन कौन सी पांच चीजें प्रॉफिट उसके बाद रेंट एंड रॉयल्टी उसके बाद इंटरेस्ट उसके बाद मिक्सड इनकम उसके बाद कॉम्पनसेशन ऑफ इंप्लॉयज कॉम्पनसेशन ऑफ इंप्लॉयज में तीन चीजें आती हैं विजेज एंड सैलरीज इन कैश विज इज एंड सैरिज इन काइंड और इम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ठीक है उसके बाद प्रॉफिट में हमने क्या बोला डॉक्टर कॉर्पोरेट डॉक्टर कॉर्पोरेट का मतलब डिविडेंड रिटेन अर्निंग्स और कॉर्पोरेट टैक्स अब अगर आप इन तीन चीज़ों को जोड़ दो तो इसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस तो एक्चुअल में जब आप डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हो जब अपने देश की डोमेस्टिक लेवल पे होने वाली इनकम कैलकुलेट करते हो यानी कि एनडीपी एट एफ सी तो आप ये पांच चीज़ें जोड़ते हो ऑपरेटिंग प्लस प्लस इनकम इनकम सीओई, ठीक है। अब अगर मेथड से हमें कैलकुलेट करनी है तो क्या करना होगा फिर से वही प्रोडक्शन यूनिट्स करो फैक्टर इनकम सारी जोड़ दो मैंने आपको बता दी पांच चीजें आती है एड करके इस पर एन एफ आई ए जोड़ो तो एन एन पी एट एफ सी पे पहुंच जाते हैं आई होप आपने ये अच्छे से तैयार करा होगा इनकम मेथड में क्या प्रिकॉशंस याद रखने ट्रांसफर इनकम कंसिडर नहीं करनी इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स कंसिडर नहीं करना इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स बॉन्ड डिवेंचर्स इंक्लूड नहीं करना इनसे होने वाली कमीशन अगर कोई होगी वो इंक्लूड करनी है सेकंड हैंड गुड्स में अगर कोई ब्रोकरेज है वो इंक्लूड करनी है विंडफॉल गेम्स होती हैं जो मुफ्त में आई लॉटरी वगैरह घोड़े की रेस से पैसा कमा लिया इंक्लूड नहीं करना इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी इंक्लूडेड इंप्यूटेड वैल्यू यानी वही ऑन ऑक्यूपाइड हाउस हो गया ऑनर्स ऑक्युपाइड हाउस हो गया उसकी वैल्यू इंक्लूड करनी है पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स आर नॉट इंक्लूडेड अगर कोई पेमेंट पिछली सेविंग्स हुई है तो वो भी इंक्लूड नहीं करनी ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें फाइनल एक्सपेंडिचर की तो इसका मतलब हम एक्सपेंडिचर मेथड पे आ गए हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं तो देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है सबसे पहले गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है उसके बाद ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आता है और चौथी चीज़ जो इसके अंदर आती है वो आती है नेट एक्सपोर्ट्स चौथी चीज़ क्या आती है हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स ठीक है तो देखो ये आ गया नेट एक्सपोर्ट्स अब मैं इसको एक जगह लिख देता हूँ कि अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड से सर हमें क्या मिलता है देखो वैल्यू एडिट मेथड से क्या मिलता था जीडीपी एट एमपी जिसको हम बोलते थे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इनकम मेथड से आपको मिलता था एनडीपी एट एफ जिसमें आप पांच कॉम्पोनेंट जोड़ देते थे प्राइम उसके बाद आपको जब आप एक्सपेंडिचर मेथड से निकालते हो तो इस पर भी आपको जी डी एट एम मिलता है इसके अंदर भी चार कॉम्पोनेंट्स हैं कौन कौन से चार्प अच्छा प्रॉफिट में क्या क्या था डॉक्टर कॉर्पोरेट ठीक है और कंपनसेशन ऑफ इम्प्लॉइज में वेजेस सैलरीज इन कैश वेजेस विदरीज इन काइंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यून टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स यहां पे आप क्या बोलते हो गवर्नमेंट फाइनल कंज्पन एक्सपेंडिचर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्राइवेट फाइनल कंजम्शन एक्सपेंडिचर नेट एक्सपोर्ट्स नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स कई बार 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 यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में आपको जोड़ना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक तब आप कहां पहुंचोगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे ये फॉर्मूलाज में मैंने सब पढ़ाया है आई रियली होप आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा और रिविजन आपका हो गया बढ़िया चलो अब चलते हैं हम आगे एक्सपेंडिचर मेथड में क्या प्रिकॉशन हैं सबसे पहले एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं करना सिर्फ फाइनल गुड्स लेना है ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं इंक्लूड करनी सेकंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं करने फाइनेंशियल एसिड शेयर बॉन्ड बॉन्डेंचर पे होने वाला खर्चा इंक्लूड नहीं करना ओन अकाउंट प्रोडक्शन जो है वो इंक्लूड करेंगे ठीक है परफेक्ट इसके बाद क्या क्या हमारे पास स्टेप्स हैं वही आइडेंटिफाई करो इकोनॉमिक यूनिट्स कौन कौन से सेक्टर से खर्चा हुआ है हाउस होल्ड का कितना प्रोडक्शन का कितना गवर्नमेंट का कितना फिर फाइनल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करो सबको जोड़ के यानी जी डी पी एट एमपी निकाल दो उसके बाद डोमेस्टिक इनकम पे आओ उसके बाद नेशनल इनकम पे आओ यही आपको हर मेथड में लिखना है ठीक है जी एक्सपेंडिचर मेथड में प्रिकॉशंस हम लोग ऑलरेडी पीछे पड़ चुके हैं तो ये दोबारा आ गया अब आ जाता है हमारे पास नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और नेशनल इनकम एट कॉन्टेंट प्राइस अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है सर अगर आप नेशनल इनकम करंट प्राइस पे निकाल रहे हो तो हम लोग बोलते हैं कि प्राइस भी आज का क्वांटिटी भी आज की अगर आप कॉन्स्टेंट प्राइस पे निकाल रहे हो तो हम बोल रहे हैं प्राइस पहला वाला क्वांटिटी आज की ठीक है द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड बाई नॉर्मल रेजेंट इन ईयर मेजर एट प्राइजेस ऑफ द करंट ईयर यहाँ पे प्राइजेज ऑफ बेस ईयर पिछले वाला प्राइस इंपॉर्टेंट होता है ये एक अच्छा टूल नहीं है क्योंकि इसमें आज का प्राइस है तो इन्फ्लेशन आता है ये एक अच्छा टूल है ओके okay? ये चेंज इन बोथ प्राइस और क्वांटिटी से इफेक्ट होता है ये होता है सिर्फ और सिर्फ चेंज इन क्वांटिटी से इसका फॉर्मुला पी वन क्यू वन फॉर्मुला पी जीरो हम नेशनल इनकम बोलते हैं इसको हम रियल नेशनल इनकम बोलते हैं डिफरेंस है. भी आ सकता है नॉमिनल और रियल नेशनल इनकम में तो आपको ऐसे ही लिखना होगा नेक्स्ट क्या आता है रियल जी डी पी नॉमिनल जीडीपी मैं आपको बताई चुका हूँ नॉमिनल किसको बोलते हैं जब आपका प्राइस और क्वांटिटी आज की है पी वन इंटू क्यू वन रियल किसको बोलते हैं प्राइस पिछला है पी जीरो चल गया हमारे पास फॉर्मुला चलता है रियल जीडीपी इज टू नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू हंड्रेड ओके नॉमिनल होगा रियल इंटू प्राइस इंटू प्राइज इंडेक्स अपॉन हंड्रेड जीडीपी डिफ्लेटर जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब भी यही है बेसिकली प्राइस इंडेक्स को ही जीडीपी डिफ्लेटर बोल दिया और नॉमिनल अपॉन रियल इंटू हंड्रेड इनकेस वहां पे भूल जाओगे सर पहले कौन सा आएगा तो अल्फाबेटिक याद कर लेना पहले ए बी सी डी में एन आता है आर आता है पहले एन आता है ना तो ये ऊपर चलेगा एन अपॉन आर इंटू हंड्रेड जीडीपी एंड वेलफेयर ये बोलता है कि कई लोग ये बोलते हैं कि अगर जीडीपी अच्छा है तो वेलफेयर भी हो रहा है जबकि एक्चुअल में ऐसा हर बार नहीं होता कई बार जीडीपी बढ़ रहा होता है लेकिन वेलफेयर लोगों पर नहीं हो रहा होता ठीक है इसके अंदर दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज और नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज इसको बिल्कुल भी मत भूलना ऑल राइट एक्सटर्नैलिटीज क्या होता है एक्सटर्नैलिटीज दो तरीके की होती हैं एक होती है पॉजिटिव एक होती है नेगेटिव यानी कई बार इकोनमी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अच्छी होती हैं उसके लिए आपको कोई अप्रिशिएट uh, नहीं करेगा और जो बुरी होती है उसके लिए आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन हो रहा है प्रोडक्शन हो रहा है प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन उस सिनारियो में आप बहुत सारा पॉल्यूशन भी कर रहे हो आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो जी तो बढ़ रहा है लेकिन जो पॉल्यूशन कर रहे हो उसके लिए आप पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा तो आप वो गलती कर रहे हो जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन वेलफेयर घट रहा है तो ये एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है सिमिलरली अगर आपने हाँ कोई पब्लिक पार्क बनाया या पब्लिक पार्क आप टेक uh, केयर कर रहे हो अच्छे से देख रहे हो तो लोगों की हेल्थ बढ़ रही है उससे तो उसके लिए आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा तो उसको हम पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी बोलते हैं ठीक है नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज क्या होता है नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज होते हैं वो सर्विसेज जो हम कभी भी नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करते लेकिन हमारा वेलफेयर उनसे बढ़ता है सर्विस ऑफ हाउस वाइफ किचन गार्डनिंग ऐसी चीजें जिनसे हमारा वेलफेयर बहुत बढ़ता है लेकिन हम कभी इनको नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी जीडीपी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ अमीरों को ही फायदा दे रहा हो अब जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन सिर्फ रिच सेक्शन में बढ़ रहा है तो फिर फायदा क्या हुआ भैया देश में है ना चेंज इन प्राइस कई बार जीडीपी बढ़ रहा है सिर्फ प्राइस बढ़ने की वजह से तो वो भी वेलफेयर रिफ्लेक्ट नहीं करता रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ अगर जीडीपी के साथ साथ पॉपुलेशन भी उसी तेजी से बढ़ रही है तो कोई फायदा नहीं होगा जीडीपी बढ़ने का तो ये सब चीजें हैं जो आपको याद रखनी है एक्सटर्नलिटी नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है अब आ गया हमारा दूसरा यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं द मनी एंड बैंकिंग ये बहुत सिंपल है इसके अंदर ऐसा कुछ खास आपको देखने वाला नहीं है मनी क्या है मनी कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मेजर ऑफ वैल्यू स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स ठीक है इसका मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब आप कोई भी चीज एक्सचेंज कर सकते हो पैसा दे के मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब हर चीज़ को वैल्यू कर सकते हो मनी की टर्म्स में भैया एक किलो चावल कितने का एक लीटर पेट्रोल कितने का वैल्यू लग गया ना अब ठीक है स्टोर कर सकते हो आप मनी को कहीं पर भी और लास्ट में आप लोन्स के तरीके से मनी फ्यूचर में भी पे बैक कर सकते हो मनी सप्लाई क्या होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एक पॉइंट ऑफ टाइम में जनता के पास कितना पैसा है उसको हम मनी सप्लाई बोलते हैं ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है तो इसलिए ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है इसके बाद इसके मेजर चार हैं एम वन एम टू एम थ्री एम फोर जिसमें एम वन आपको बहुत अच्छे से याद करना है एम वन क्या है सीसी दीदी ओदी सी सी करेंसी एंड कॉइंस दीदी डिमांड डिपॉजिट्स ओ दी अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई याद रखना मनी मल्टीप्लायर क्या होता है मनी मल्टीप्लायर होता है बेटा कि अगर आप कमर्शियल बैंक में कुछ भी डिपॉजिट कराते हो यानी इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट उस प्राइमरी डिपॉजिट से कमर्शियल बैंक कई गुना इनकम जनरेट कर लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर ओके ये पैसा बढ़ना या कम होना किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पैसा वापस घूम के आ रहा है यानी कितना बैंक वापस लोन दे रहे हैं तो ये इनवर्सली रिलेशन होता है एल से यानी लीगल रिजर्व रेशो से और डायरेक्टली रिलेटेड होता है जितने लोन्स बटेंगे यानी जितने ज्यादा लोन बटेंगे उतना ज्यादा पैसा सर्कुलेट होगा उतना मल्टीप्लाई होगा

कंट्री को यानी सबसे बड़ी बॉडी है हमारे देश छोड़ के ये कौन इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बैंकर टू द गवर्नमेंट सरकार का बैंकर यही है जिस तरीके से हमारा बैंकर कमर्शियल बैंक है वैसे गवर्नमेंट का बैंकर सेंट्रल बैंक है बैंकर्स बैंक bank, सभी बैंकों का बैंक एजेंट सुपरवाइजर यही है कंट्रोलर ऑफ़ मनी सप्लाई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है अपने दो इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से एक को हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं एक को हम क्वालिटेटिव बोलते हैं क्वांटिटेटिव में बैंक रेट रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट ओपन मार्केट ऑपरेशन और एल ठीक है मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम लोग परचेज या सेल करते हैं सिक्योरिटीज़ को तो मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटीज सेल करनी है एल के दो कम्पोनेंट होते हैं सी और एस इन दोनों को बढ़ाना है ठीक है डिटेल में हम लोग इनको डिस्कस कर चुके हैं इसके बाद क्या आता है क्वालिटेटिव में हम लोग मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए मार्जिन को बढ़ाना है उसके बाद मॉरल सुशन मॉरल सुशन में आपको एडवाइस करनी है बैंक को टू डिस्करेज लेंडिंग, लोन नहीं देना सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल लास्ट आता है जिसमें हमें एक स्कीम लेनी है जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट राशनिंग क्रेडिट राशनिंग करनी है यानी सेलेक्टिव सेक्टर्स को ही क्रेडिट देना है लास्ट आटा है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी हमारे देश में जितने भी फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं सब किसकी कस्टडी में रहेंगे सेंट्रल बैंक की कस्टडी में रहेंगे ये सब आप पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से करेंसी अथॉरिटी क्या है बैंकर टू द गवर्नमेंट क्या है बैंकर्स बैंक bank क्या है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई रेपो रेट बैंक रेट रिवर्स रेपो रेट रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है रिवर्स रेपो रेट होता है अगर आप पैसा जमा करोगे तो वहाँ से कितना इंटरेस्ट आएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेलिंग और बाइंग होती है सिक्योरिटीज़ की एल में जो अपने पास रिजर्व करके रखना है उसको हम एस बोलते हैं जो सेंट्रल बैंक के पास रखना है उसको हम सी बोलते हैं ठीक है मार्जिन डिफरेंस होता है अमाउंट ऑफ लोन में और सिक्योरिटी में उसके बाद मॉरल स्वेशन बैंक की एक नॉर्मल पॉलिसी है सेलेक्टिव रेट कंट्रोल ये मैं आपको बता चुका हूँ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में एक डिफरेंस है इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार बस रीड कर लेना अब आ रहे हैं हम लोग अपनी अगली यूनिट पे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई सबसे पहले हम एडी की बात करते हैं तो देखो डिमांड होता था क्लास इलेवंथ में आपने पढ़ा था जब एक एक कंज्यूमर की बात हो रही थी अब इकोनॉमी में तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं चार सेक्टर्स हैं तो जब चारों सेक्टर्स की डिमांड को हम जोड़ देंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे एग्रीगेट डिमांड तो एग्रीगेट डिमांड में हम लोगों ने चारों सेक्टर की डिमांड ले ली जिसमें कि सबसे पहले प्राइवेट इंडिविजुअल्स की डिमांड आ गई जिसको हम पी बोलते हैं इसको सी से डिनोट करते हैं फिर सारा इन्वेस्टमेंट आ गया फर्म्स का जिसको हम आई बोलते हैं उसके बाद सरकार का खर्चा आ गया जिसको हम जी बोलते हैं और नेट एक्सपोर्ट्स आ गया जिसको हम एक्स माइनस एम बोलते हैं एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट तो चारों ही सेक्टर आ गए प्राइवेट आ गए फर्म्स आ गए गवर्नमेंट आ गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ गया तो एडी बेसिकली क्या बन गया सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस

जब आप पूरा चैप्टर आगे पढ़ोगे तो एडी किसका कॉम्पोनेंट माना जाएगा बस दो कॉम्पोनेट माने जाएंगे सी प्लस आई वैसे तो चार होते हैं लेकिन पूरे चैप्टर में हम दो ही एज्यूम करके चलेंगे एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई ये टेबल आपको बहुत मदद करेगी उसके बाद एडी का कर्व जब हमने बनाया तो हमें समझ में आया कि दो कॉम्पोनेंट है सर दो कॉम्पोनेंट कौन कौन से हैं हमारे पास एक तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है जिसको हमने कॉन्स्टेंट रखा है वो ऐसे ही रहेगा कॉन्स्टेंट क्यों रखा है ताकि हमारे लिए ईजी हो तो ये एक एजम्पन है ठीक है इसको हम कॉन्स्टेंट ले रहे हैं कि इनकम कुछ भी हो इन्वेस्टमेंट ऐसा ही रहेगा उसके बाद हम लोगों ने कर्व लिया था कंजन इनकम के साथ जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्शन बढ़ता है ये जीरो से शुरू नहीं होता थोड़ा ऊपर से शुरू होता है और ये जो जीरो लेवल भी खर्चा होता है इसको हम ऑटोनॉमस बोलते हैं इसको बोलना है, क्या बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्शन एक्सपेंडिचर ठीक है दोनों को जोड़ दू तो एक कर्व बन के आता है जिसको हम एडी बोलते हैं इज इक्वल टू सी प्लस आई और सी हमेशा पैरल होते हैं क्यों पैरल होते हैं क्योंकि इनके बीच में ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आता है ठीक है इज इक्वल टू सी प्लस आई पॉजिटिव कंजम्पन

डन ए एस क्या होता है सर अब एग्रीगेट सप्लाई का होता है एग्रीगेट सप्लाई होता है कि टोटल इकोनॉमी में जितने सभी प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं एग्रीगेट सप्लाई बोल देते हैं ठीक है अब जब मैं एग्रीगेट सप्लाई की बात करूंगा तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है कि जितना टोटल प्रोड्यूसर्स ने आगे सप्लाई करा भाई घूम के वही तो इनकम हो जाएगी इसीलिए हम क्या मानते हैं कि ए एस और इनकम एक ही बात है ए एस और नेशनल इनकम एक ही बात है एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन अ गिवन पीरियड ऑफ

एस जिसको हम सी प्लस एस बोलते हैं और आप देखोगे इनकम और एस बराबर आएंगे वही जीरो हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड ठीक है जी अब जब आप इसका कब बनाओगे तो भैया इधर इनकम लिया इधर ए एस लिया दोनों बराबर बराबर है टोटल का नाइनटी डिग्री होता है तो आधा आधा मतलब फोर्टी फाइव इधर फोर्टी फाइव इधर तो जो कब बनेगा वो फोर्टी फाइव डिग्री का बनता है ठीक है इसके बाद आता है बच्चों कंजम्प्शन फंक्शन जिसको हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि आप कितना खर्चा कर सकते हो अपनी इनकम से आपकी जो भी इनकम है उससे आप कितना खर्चा करने वाले हो उसको हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं कंजम्पन का क्या रिश्ता है इनकम के साथ ठीक है अब यहाँ से देखो इनकम और कंजम्प्शन वही वाली एक ही टेबल है जो पूरे चैप्टर में चल रही है जीरो लेवल पे फोर्टी जिसको हम ऑटोनोमस कंजम्पन बोलते हैं फिर अस्सी अस्सी से बढ़ा देना ये टेबल सब जगह चलता है इसके बाद आपने कब बनाया जिसमें आपने दिखाया कि ये इनकम है ये कंजम्पशन है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे यानी जहाँ पे इनकम बराबर कंजम्पशन होगा इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट बच्चों अगर इनकम बराबर कंजम्पशन है तो सेविंग भी जीरो होगा ना जितना कमाया उतना खर्चा करा सेविंग भी जीरो तो ब्रेक इवन पॉइंट दो जगह पे आ सकता है जहाँ पे सेविंग जीरो हो या यहाँ पे इनकम बराबर कंजम्पशन हो क्वेश्चन आ सकता है सर ब्रेक इवन पॉइंट से पहले क्या होगा तो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले देखो कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम कम है और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद अगर मैं बात करूँ तो इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है तो आपको ये भी पता होना चाहिए ठीक है, शॉर्टेड। तो जब ज़्यादा होगा, इनकम कम होगा तो इसको हम डिस सेविंग्स बोलते हैं और जब इनकम ज्यादा होगा कंज़म्पशन कम होगा तो इसको हम सेविंग्स बोलते हैं यानी ब्रेक इवन पॉइंट से पहले डिस सेविंग आती है बाद में सेविंग आती है डन सर दो तरीके का कंजम्पशन फंक्शन होता है बच्चों एक होता है एपीसी एक होता है एमपीसी एपीसी क्या होता है ए होता है कि आप अपनी इनकम में से कितना कंजम्पशन कर रहे हो और एम होता है कि कितना इनकम चेंज होने की वजह से कंजम्पशन चेंज हो रहा है यानी अगर मेरी इनकम सौ रुपये की है और मैं खर्च कर रहा हूँ सत्तर रुपये तो बोलूंगा ना कि सत्तर रुपये खर्च कर लिए तो ज़ीरो पॉइंट सेवन जीरो आ गया सही है या नहीं है अब इसका क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है सर मेरी इनकम सौ की है क्या मैं सौ खर्च कर सकता हूँ अगर मेरी इनकम सौ की है तो क्या मैं सौ रुपये भी खर्च कर सकता हूँ बिल्कुल कर सकता हूँ यार मेरी वैल्यू है सौ रुपए की कंजपशन सौ रुपए की इनकम तो एपीसी वन भी हो सकता है क्या एपीसी पी जीरो हो सकता है कि अगर इनकम सौ हो और मैं एक रुपया भी खर्च ना करूं ये नहीं हो सकता खर्चा तो होगा ही होगा तो ये जीरो नहीं हो सकता यहां पे अगर आप जीरो रख दो यहाँ पे अगर आप जीरो रख दो कि भाई सौ रुपये कमाए लेकिन खर्चा ही नहीं है खाना ही नहीं खाता ऐसा थोड़ी होता है तो एपीसी जीरो नहीं हो सकता क्या मोर देन वन हो सकता है एक ऐसा हो सकता है ऐसा हुआ है कई बार ऐसा होता है कि आप पिछली सेविंग्स में से खर्चा कर रहे हो तो एपीसी मोर देन वन हो सकता है यानी मोर देन वन ए पी सी हो सकता है येस yes. फॉर्मूला क्या है सी इज इक्वल टू वाई वन हो सकता है यस ग्रेटर देन वन हो सकता है यस लेस देन वन भी हो सकता है क्या एक से कम यस yes. uh, इसके बाद हम बोले क्या नेगेटिव हो सकता है नो no. क्या जीरो हो सकता है नो no, क्योंकि नेगेटिव कंजम्पशन जैसी कोई चीज नहीं होती और कंजम्पशन ना करें ऐसा भी कुछ नहीं होता ठीक है ये तो हो गया एपीसी इसके बाद अगर एमपीसी की बात करूं बच्चों तो एमपीसी होता है कि अगर इनकम बढ़ गई इनकम सौ से दो हो गई तो चेंज इन इनकम कितना आया सौ कंजम्पशन हुआ सत्तर से सौ तो कितना चेंज इन कंजम्पशन आया थर्टी तो मैं बोलूंगा कि एडिशनल इनकम का तीस परसेंट थर्टी परसेंट हमने खर्च कर लिया तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी जीरो पॉइंट थ्री जीरो इसका कोई यूनिट नहीं होता आप सीधा सीधा ऐसे ही लिख सकते हो ठीक है जी ए पी सी और एम पी सी कई बार बच्चे पूछ लेते हैं सर अगर हमें इसका कर्व बनाना हुआ तो हम कैसे बनाएंगे तो इसका कर्व बहुत सिंपल है अगर आपको ए पी सी का कर्व बनाना है और एम पी सी का कर्व बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ और सिर्फ आपको लेना है एक कंजम्पशन का कर्व ये कंजम्पशन का कर्व आ गया इधर आप इनकम लेते हो तो आप कोई भी पॉइंट ले लो सपोज आपने ये पॉइंट ले लिया कि मेरा ये इनकम है इस इनकम पे जितना मेरा सामने कंजम्पशन आ रहा होगा तो इस पॉइंट पे ए पी सी आपका हो जाएगा ओ सी अपॉन ओ वाई क्योंकि कंजम्पशन बराबर इनकम होता है ना ए अब अगर सर एम बनाना हुआ तो एम में इतना बना के रखना फिर आप इनकम को आगे ले जाना थोड़ा सा इनकम को यहाँ ले जाना सपोज ये हो गया वाई डैश अब यहाँ से अगर आप ऊपर चलो तो इनकम बढ़ने से कंजम्पशन भी बढ़ गया ना सी डैश तो देखो इनकम कितना बढ़ा यहाँ पर मुझे एम पी सी लिखना है एम पी सी होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई तो इनकम कितना बढ़ा वाई इनकम बढ़ा इतना ये वैल्यू तो इनकम हो गया वाई वाई डैश इतना चेंज है और कंजम्पशन कितना बढ़ा इतना भाई यहाँ तक तो पहले था यहां से यहां तक ये यह, ये हो गया सी सी डैश तो इसको हम एम पी सी का कर्व बोल देंगे एमपीसी का कर्व में बस याद रखना इनकम भी बढ़ा के दिखानी है और कंजम्पशन भी बढ़ा के दिखानी है ठीक है तो ये एपीसी और एम पी सी हो गया इसके बाद अब हमारे पास आ रहा है कर्व जो मैंने आपको दिखा दिया एपीसी मोर देन वन हो सकता है वन हो सकता है लेस देन वन हो सकता है एपीसी कभी जीरो नहीं हो सकता नेगेटिव नहीं हो सकता अब हमारे पास क्या आ रहा है एमपीसी एमपीसी भी हमने डिस्कस कर लिया एमपीसी का जो वैल्यू है बच्चों वो हमेशा याद रखना वैल्यू ऑफ एमपीसी पी बिटवीन जीरो एंड वन एमपीसी का वैल्यू हमेशा जीरो से वन के बीच में रहता है एमपीसी गरीब का हमेशा ज्यादा होता है और अमीर का हमेशा कम होता है क्योंकि उसकी इच्छाएं ऑलरेडी पूरी होती है ओके okay. ये आपका बेसिक आपको पता होना चाहिए उसके बाद हम सेविंग फंक्शन पे आ जाते हैं सेविंग फंक्शन बिल्कुल इससे मिलता जुलता है जिसमें हम ये बोलते हैं कि कितना uh, सेविंग फंक्शन इज आप अपनी इनकम में से कितना सेव कर लोगे ठीक है इनकम में से कितना सेव कर लोगे ये सेविंग फंक्शन है अब ये भी दो प्रकार का है एपीएस और एमपीएस इनकम में से कितना सेव करा सेविंग अपॉन इनकम ये एपीएस होता है अगर इनकम चेंज हो गई तो सेविंग में कितना चेंज आया उसको हम एमपीएस बोलते हैं बिल्कुल सेम है पिछले वाले कॉन्सेप्ट की तरह बस सी की जगह एस लगाना है ठीक है ये आपको याद रखना है ऑल राइट right. तो ये हमारे पास एपीएस और एमपीएस होता है सर अगर एपीएस का कर्व बनाना हुआ फिर कैसे बनाऊंगा बेटा जो सेविंग कर्व है ना वो नेगेटिव से शुरू होता है क्योंकि जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन देखो जीरो पे अगर फोर्टी का कंजम्पशन है तो सेविंग तो नेगेटिव आएगी ना जीरो माइनस फोर्टी माइनस फोर्टी पिछली सेविंग से अगर आओ ना ये है ना तो यहाँ से नेगेटिव से शुरू होता है इसको हम नेगेटिव सेविंग बोलते हैं अब इस पर्टिकुलर इनकम पे सपोज ये वाई है इस इनकम पे कितनी सेविंग है ये सपोज एस है तो ये हमारा ए पी एस है ए पी एस इस एस अपॉन वाई तो ओ एस अपॉन ओ वाई ये आपका ए पी एस हो जाएगा ठीक है और अगर एम पी एस का कर्व बनाना हुआ सर फिर मैं क्या करूँगा फिर इनकम बढ़ा दो ऐसे वाई इनकम बढ़ने से आप दिखाओगे कि कितनी सेविंग बढ़ी ठीक है अब देखो इनकम इतनी बढ़ी और सेविंग इतनी बढ़ी तो यहाँ पे आप एम पी एस बोलोगे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इनकम बढ़ी वाई वाई डैश जिससे सेविंग बढ़ी एस एस डैश ये आपका एम पी एस हो गया इस तरीके से आप ए पी एस और एम पी एस का कर्व दिखा दोगे ठीक है एक बार ये वाला कर्व भी चेक कर लो ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे होता है जहाँ पे सेविंग जीरो होता है इससे पहले डिस सेविंग नेगेटिव सेविंग इसके बाद पॉजिटिव सेविंग तो उसको हम सेविंग्स बोलते हैं ओके सर एपीएस एमपीएस मैंने आपको बता दिया अब अगर आपको इसकी वैल्यू देखनी हो तो फिर से आपको क्या करना है इसकी वैल्यू भी देखने के लिए हम लोग को बस फॉर्मूला रखना होगा ए पी एस एस अपन वाई आओ सबसे पहले चेक करते हैं अगर सौ रुपए की इनकम हो और सेविंग जीरो तो क्या ए पी एस जीरो आ सकता है बिल्कुल आ सकता है क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि सारा का सारा खर्च कर लूँ अगर मेरी सौ की इनकम है और सौ का ही कंजम्पशन है तो सेविंग जीरो है ना इनकम बराबर कंजम्पशन

आपको पता होना चाहिए ये बात ऑलरेडी क्योंकि हम सब रिविजन कर रहे हैं तो पॉइंट नाम सो ए पी सी और ए पी एस ये हमेशा वन होता है एम पी सी और एम पी एस ये भी हमेशा वन होता है ए पी सी प्लस ए पी एस इज ऑलवेज इक्वल टू वन एंड एम पी सी प्लस एम पी एस इज ऑलवेज इक्वल टू वन सेविंग कर्व अगर कंजम्पशन कर्व से ड्रॉ करना है तो कैसे करते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसका भी आप स्क्रीन शॉट ले लेना ताकि आप लिख पाओ ठीक है अगर सेविंग कर्व कंजम्पशन कर्व से बनाना है तो कैसे बनता है कंजम्पशन कर्व सेविंग कर्व से बनाना है तो कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए लो अगर कंजम्शन का गिवन है सेविंग बनाना है तो देखो क्या करना सबसे पहले इनकम बनाओगे ये कंजम्शन गिवन है ठीक है तो यहाँ पे आप दो चीज़ें ढूंढना एक तो ब्रेक इवन पॉइंट और दूसरा ऑटोनॉमस कंजम्प्शन फिर सिंपली क्या करना नीचे जितना आपका ब्रेक इवन जितना आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन था उतना ही नेगेटिव सेविंग मार्क करना इसके बराबर ठीक है उसके बाद आप एक काम करना यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पर इनकम बराबर कंजम्प्शन होता है और सेविंग जीरो होता है यहां से एक लाइन खींच देना ये सेविंग बन गया ठीक है, है बन कंजम्पशन बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है ये आपको सेविंग दिया हुआ है सपोज अब आपको कंजम्पशन बनाना है तो इसके नीचे पहुंच जाओ सबसे पहले एक y यानी इनकम का कर्व बना लो ठीक है उसके बाद यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना जो कि इनकम पे आके रुक जाए उसके बाद जितना आपका नेगेटिव सेविंग उतना ही ऑटोनॉमस कंजम्पशन मार्क कर लेना और उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना तो यहाँ से आपका कंजम्पशन बन जाएगा ये सेविंग से हमने कंजम्पशन बना दिया यहाँ पे भी ब्रेक इवन पॉइंट और ऑटोनॉमस कंजम्पशन और नेगेटिव सेविंग की वैल्यू आपको सेम रखनी है राइट इस तरीके से सेविंग से कंजम्पशन बनता है कंजम्पशन से सेविंग बनता है इसके पॉइंट्स जरूर लिख के आना जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ठीक हो गया इसके बाद इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात करें तो दो प्रकार की इन्वेस्टमेंट हो सकती है बच्चों इंड्यूज और ऑटोनोमस इंड्यूज होती है जो इनकम के साथ बढ़ती है और इनकम के साथ कम हो जाती है यानी कि इनकम जब मेरी इतनी थी तो इन्वेस्टमेंट इतनी थी इनकम बढ़ गई तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई और बढ़ जाएगी तो और बढ़ जाएगी ये ऐसे बन जाता है ठीक है ऊपर की तरफ इनकम के साथ सीधा सीधा रिलेशन है इन्वेस्टमेंट का इसको इंड्यूज बोलते हैं ऑटोनॉमस जो कॉन्स्टेंट रहती है जिसको इनकम से कोई भी फर्क नहीं है यानी यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है कोई फर्क नहीं है इन्वेस्टमेंट करनी करनी है ठीक हो गया तो इंड्यूज इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है विच डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट्स ऑटोनॉमस इसको कोई फर्क नहीं पड़ता प्रॉफिट से तो ये प्राइवेट सेक्टर करेगा वो पब्लिक सेक्टर करेगा यानी सरकार करेगी ये इनकम इलास्टिक होती है इनकम के साथ चेंज होती है वो चेंज नहीं होती ओके okay जी इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आया था एक्स एंट और एक्सपोस्ट एक्स एंट किसको बोलते हैं बच्चों एक्स एंट बोलते हैं जब आप कोई भी चीज प्लान करते हो तो प्लान सेविंग को एक्स एंड सेविंग बोलेंगे प्लांड इन्वेस्टमेंट को एक्स एंड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे एक्चुअल में कितना हुआ उसको एक्सपोस्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं जहां पे जितने भी लोग जो काम चाह रहे हैं एबल और विलिंग है उनको काम मिल रहा है उसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं जहां पे जितने भी लोग हैं उनको रिक्वायरमेंट से कम काम मिल रहा है अंडर एम्प्लॉयड बहुत ज्यादा ही डिमांड हो रही है इकोनॉमी में तो अपने रिक्वायर्ड से ज्यादा काम करना पड़ रहा है ओवर टाइम करना पड़ रहा है उसको हम ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं तो फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया उसके बाद इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एक टर्म होती है और वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एक टर्म होती है इनवॉलेंट्री क्या होती है इनवॉलेंट्री होती है कि मैं Uh, काम करना चाहता हूँ लेकिन काम मिल नहीं रहा इन वॉलेंट्री बेरोजगार हूँ मैं लेकिन अब मैं काम ही नहीं करना चाहता अपनी इच्छा से ही मैं बोल रहा हूँ यार पैसा कम मिल रहा है मैं नहीं करता तो ये वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है वॉलेंट्री जब आप अपनी इच्छा से बेरोजगार होते हो और इनवॉलेंट्री जब आपका uh, काम करने का मन है लेकिन काम मिल ही नहीं रहा तो उसको हम इनवॉलेंट्री बोल देते हैं ठीक है एक छोटा सा टॉपिक है कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट इकॉनमीम में हो ही नहीं सकता फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी दो प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा होगी फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल फ्रिक्शनल क्या होता है एक जॉब छोड़ के दूसरी करोगे तो बीच में टाइम गैप आएगा ना उसको फ्रिक्शनल बोलते हैं स्ट्रक्चरल किसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल बोलते हैं जब इकॉमी में स्ट्रक्चर चेंज हो रहा हो टेक्नोलॉजी नहीं आ रही हो कोई और तरीके की डिमांड हो वर्कर की और अभी कोई और है आपके पास तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है देन वी हैव इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर में बच्चों आपको मेनली कीन्स याद रखना है जेएम एम कीन्स कीन्स ने दो थ्योरी दी है इक्वेलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए एक थ्योरी है एडीएस अप्रोच और एक है एस SI आई अप्रोच कीन्स ने बोला अगर आपको इक्वलिब्रियम ढूंढना है तो दो अप्रोच रहेंगी हमेशा एक बार इक्वेलिबियम कहां पर मिलेगा जहां पे ए एस और एडी बराबर होंगे इसको हम इक्वेलिबियम बोलेंगे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर ये तो ब्रेक वन पॉइंट था नहीं बेटा ये ब्रेक वन पॉइंट नहीं था ब्रेक वन पॉइंट था जहां पे कंजम्पन बराबर इनकम होता है देखो ये कंजम्प्शन का कव है

तो so सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट जहां पे आएंगे उसको हम बोलते हैं ठीक है तो ब्रेक इवन पॉइंट भी, और यहां भी. Right, याद इक्वल टू एस ए डी को हम क्या बोलते हैं सी प्लस आई इसको हम क्या बोलते हैं सी प्लस एस सी से सी खत्म हुआ तो आई इज इक्वल टू एस दो अप्रोच है एडी बराबर ए एस और एस बराबर आई अगर आपको एग्जाम में आ जाएगी गला भी बंद हो गया है बिल्कुल हम इसको

ठीक है ए डी एस अप्रोच पहले ए डी के बारे में लिख दो सी प्लस आई होता है ए एस सी प्लस एस होता है फिर वही टेबल बना दो इस टेबल पे जहां पे ए डी और ए एस बराबर है चार सौ चार सौ बोलते हैं ए डी ग्रेटर देन ए एस हो तो क्या ए डी लेस देन ए एस हो तो क्या ये आपको पता होना चाहिए ए डी बराबर ए एस आपको दिखा चुका हूं फिर इसकी एक्सप्लेनेशन लिख दोगे आप अब ए डी अगर लेस देन ए एस है इसका मतलब डिमांड कम है है ना डिमांड कम है तो क्या होगा स्टॉक बिकेगा नहीं आपके पास स्टॉक बहुत सारा हो जाएगा आपके पास स्टॉक पड़ा रहेगा स्टॉक ज्यादा हो जाएगा तो अगली बार आप प्रोडक्शन कम करोगे तो प्रोडक्शन कम होगा एम्प्लॉयमेंट कम होगा और इन्वेंट्री बढ़ जाएगा ठीक है अगर एडी ग्रेटर देन एस हो जाए एडी ग्रेटर देन एस हो जाए तो डिमांड ज्यादा है तो जो आपने स्टॉक मेंटेन करने की सोची थी उतना मेंटेन नहीं हो पाएगा स्टॉक कम हो जाएगा तो अगली बार इवेंट्री बढ़ाना पड़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा ये आपको लिख के आना है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच ऐसा ही अप्रोच मैं आपको दिखाई चुका हूं देखो इस तरीके से जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो आप ये दोनों डबल कर्व भी बना के आ सकते हो ऊपर एडीएस दिखा दिया नीचे ऐसा ही दिखा दिया इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई ठीक है एक्सप्लेनेशन आपको पूरी पढ़िए आपने अच्छे तरीके से वो लिखनी है सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट हो तो क्या करना है सर और सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट हो तो क्या करना है अब देखो सेविंग अगर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से इसका मतलब लोग ज़्यादा सेव कर रहे हैं खर्चा नहीं कर रहे खर्चा नहीं कर रहे तो वही इवेंट्री बढ़ जाएगा वापस से इवेंट्री बढ़ जाएगा तो अगली बार प्रोडक्शन भी कम होगा एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा और अगर सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट हो <coughs> सॉरी सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट हो इसका मतलब लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं ज्यादा इनकम है ज्यादा खर्चा कर रहे हैं तो उस सिनेरियो में क्या होगा लोगों का कंजप्शन ज्यादा है तो इन्वेंट्री गिर जाएगा इन्वेंट्री गिर जाएगा तो उस सिनेरियो में अगले सही करने के लिए प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा ऑल राइट right. चलो जी देन वी हैव फुल एम्प्लॉयमेंट मैं आपको बता ही चुका हूं जहां पे इक्विलिब्रियम आ रहा है और सभी लोग एम्प्लॉयड भी हैं उसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है जब डिमांड कम होता है कि मेरा मन है ज्यादा काम करने का बट इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है अगर डिमांड नहीं है तो उस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम देखो <coughs> यहां बना देता हूं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूं ये ए एस है ये ए डी है ये आपके पास इक्विलिब्रियम था ये फुल एम्प्लॉयमेंट था लेकिन इकोनॉमी में भी डिमांड नहीं है तो नीचे आ गया ई डी अगर डिमांड नहीं है तो नीचे आ जाएगा तो यहां पे एक इक्विलिब्रियम एक मिलेगा ई वन इसको हम क्या बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ठीक है इसको हम क्या बोल देते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट जो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले आ गया मैं काम करना चाहता हूं इतना लेकिन अभी है सिर्फ इतना ही तो अंडर एम्प्लॉयमेंट पे आ गए या नहीं आ गए हम लोग ओके okay, ये दोनों में डिफरेंस होता है हम जाएंगे इधर की तरफ ही एरो लगा के आना इधर की तरफ ही आपको जाना है ओके okay, उसके बाद ओवरफुल होता है जब इससे ज्यादा हो डिमांड बहुत ज्यादा हो तो ये आएगा इसके बाद यानी इतनी ज्यादा चल रही है हमें जाना इधर ही है फुल एम्प्लॉयमेंट पे घूम फिर के ठीक है जी परफेक्ट ओवरफुल भी मैंने आपको समझा दिया अगर एडी ज्यादा हो जाता है ऑल राइट फिर इसके अंदर एक मल्टीप्लायर आता है मल्टीप्लायर क्या बोलता है मल्टीप्लायर बोलता है कि अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उससे कई गुना इनकम जनरेट होगा यानी के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई जिस रेट से इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगा उसको हम मल्टीप्लायर बोलते हैं कि अगर आपने हजार लगाए और पांच हो गए तो पांच गुना हो गया ना तो उसको हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं ठीक है इसके फॉर्मुलाज याद रखना डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई वन अपॉन वन माइनस एमपीसी वन अपॉन एमपीएस लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर से एक्सेस डिमांड और डेफिशियट डिमांड एक्सेस डिमांड क्या होता है सर एक्सेस डिमांड होता है अगर इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा आ रही हो काफी ज्यादा और सप्लाई कम हो तो उस सिचुएशन को हम एक्सेस डिमांड बोलते हैं सर एक्सेस डिमांड कब मिलेगा देखो एक्सेस डिमांड क्या है अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ के आ रहा है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं हम ध्यान से देखो अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ के आ रहा है तो इसको हम क्या बोलते थे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है ना लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इतना डिमांड ज्यादा आ रहा है है ना तो इस पर्टिकुलर गैप को हम लोग क्या बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप की महंगाई होगी डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है अब जब भी डिमांड ज्यादा होगा सप्लाई कम होगा तो महंगाई तो बढ़ेगा ही ना तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप ठीक है इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप आ सकता है बच्चों रीजन क्या थे डिमांड ज्यादा होने के प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं टैक्स कम हो गया है उसके अलावा इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर काफी बढ़ रहा है फॉल इन इम्पोर्ट्स इम्पोर्ट्स कम हो गए हैं राइज इन एक्सपोर्ट्स राइज इन

शॉर्ट रन में महंगाई तो होगी होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा इससे ठीक है डेफिशिएंट डिमांड अगर डिमांड कम है डिमांड नीचे की तरफ आ जाती है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम यहां मिलेगा लेकिन आपको शो नहीं करना आपको बस ये शो करना है ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप इस सिनेरियो इसके कारण क्या है उल्टे डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टैक्सेस बढ़ गए हैं तो लोग डिमांड नहीं करेंगे इंपोर्ट हो रहे हैं तो अपने देश में डिमांड कम होगी एक्सपोर्ट गिर गए हैं तो भी डिमांड कम होगी इन्वेस्टमेंट कम हो गया तो भी आउटपुट पे इसका क्या इंपैक्ट आएगा जल्दी से बताओ फटाफट से अगर डिमांड कम है तो आउटपुट अगली बार प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आउटपुट कम होगा एम्प्लॉयमेंट कम होगा प्राइस भी कम हो जाएगा ठीक है एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड ये आ गया ये आपको बड़े ध्यान से पता होना चाहिए ओके okay, मीनिंग लिख देंगे एक से इन्फ्लेशनरी गैप एक से डिफ्लेशनरी गैप इक्विलिब्रियम एक में अंडर एम्प्लॉयमेंट एक में एम्प्लॉयमेंट रीजन बहुत सारे पढ़ाए मैंने आप लोगों को इम्पैक्ट ऑन आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर आउटपुट भी कम एम्प्लॉयमेंट भी कम प्राइस एक में बढ़ेगा एक में कम हो जाएगा इसके बाद भी हैव इसको कैसे कंट्रोल करें एक्सेस डिमांड को तो एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए दो पॉलिसीज होती हैं फिस्कल पॉलिसी जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी जिसको हम आरबीआई की पॉलिसी बोलते हैं अब सरकार क्या करेगा अपना खर्चा कम करेगा एक्सपेंडिचर कम करेगा क्योंकि ऑलरेडी लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं बहुत पैसा है तो खर्चा कम करना है टैक्सेस बढ़ाने हैं क्योंकि लोग डिमांड कम करें भैया बहुत डिमांड कर रहे हैं टैक्स बढ़ाओ क्वान्टिटेटिव में आरबीआई क्या करेगा लोग डिमांड क्यों कर रहे हैं क्योंकि उनके पास मनी सप्लाई ज़्यादा है तो बैंक रेट बढ़ा देगा रेपो रेट बढ़ा देगा रिवर्स रेपो रेट भी लिख देना यहाँ पे वो भी बढ़ा देगा सेल uh, करेगा एल आर आर बढ़ा देगा मार्जिन बढ़ाएगा डिस्करेज लेंडिंग एल इधर आएगा इधर नहीं आता क्वालिटेटिव में नहीं आता है, ये है ठीक है और क्रेडिट राशनिंग आ जाएगा डेफिशिएंट डिमांड को दूर करने के लिए इसका जस्ट रिवर्स जस्ट उल्टा कर दो गवर्नमेंट uh, क्या करने वाला है खर्चा बढ़ाएगा सब्सिडी देगा दूसरा हम यहाँ पे लिख सकते हैं सब्सिडी देगा या फिर टैक्सेस कम करेगा और इसके अंदर जस्ट रिवर्स आपको उसका कर देना है तो हमारा डेफिशेंट डिमांड भी समाप्त अब चलते हैं हम किसकी तरफ गवर्नमेंट बजट की तरफ अब गवर्नमेंट बजट क्या था गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट था जो सरकार बनाती है दो चीजें रिकॉर्ड करने के लिए अपने खर्चे और अपनी इनकम ठीक है ना आ जाओ फटाफट से गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिटेट्स ऑफ रिसिप्स एंड एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर फिस्कल ईयर एक साल जो शुरू होगा एक अप्रैल को खत्म होगा इकतीस मार्च को ठीक है इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर्स रिसिप्ट में मैंने आपको बताया था दो प्रकार की रिसिप्ट होती है रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्स आर एन सी ई रेवेन्यू के साथ नीदर नॉर कैपिटल के साथ ईदर और और रिसेप्ट कब होती है या तो एसेट कम होगा या लाइबिलिटी बढ़ेगी तो यहां पे लगाना है नीदर नॉर ना एसेट कम हो ना लाइबिलिटी बढ़े यहां पे शायद दोनों में से एक हो जाए ठीक है क्या बोलेंगे दे नीदर क्रिएट अ लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसे ऑफ द गवर्नमेंट ये रेगुलर होती हैं वो रेगुलर होती हैं इनमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती इनमें ऑब्लिगेशन होती है क्योंकि इसमें बोरिंग्स वगैरह आती है ना यहाँ पे हमारे पास होते हैं टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू है ना जिसके अंदर आप लोग लेते हो टैक्सेस में तो डायरेक्ट टैक्स इंडायरेक्ट टैक्स और नॉन टैक्स में हम लोग क्या फीस फाइंस पेनल्टीज जिसके अंदर एसचीट था जिसका कोई नहीं है उसकी सारी संपत्ति सरकार ले लेगी फॉर फीचर फॉर फीचर क्या होते हैं जो कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानते उन पर पे पेनल्टी लगती है स्पेशल असेसमेंट अगर किसी की संपत्ति की वैल्यू बढ़ गई है गवर्नमेंट के डेवलपमेंट एक्टिविटीज की वजह से तो उसको हम क्या बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट गवर्नमेंट उनसे पैसा लेता है कैपिटल रिस्प्ट में आपको याद रखना है क्या क्या सोर्सेस थे बोरोइंग्स रिकवरी ऑफ लोन्स डिस इनवेस्टमेंट स्माल सेविंग्स ये आपके कैपिटल रिस्प्ट के पार्ट थे ओके इसके बाद डायरेक्ट टैक्स टैक्स का डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट इसको अच्छे से देखना है डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है कंपनीज पे इंडिविजल टैक्स लगता है गुड्स और सर्विसेज पे ठीक है इसके बाद बर्डन डायरेक्ट टैक्स का शिफ्ट नहीं हो सकता है टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो सकता है ये प्रोग्रेसिव होते हैं ये प्रोपोर्शनल होते हैं ठीक है जी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने इसमें पढ़ा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अब खर्चे आ गए खर्चे कौन से थे एक्सपेंडिचर से क्या होगा या तो एसेट बनेगा या लाइबिलिटी कम होगा ठीक है या तो एसेट बनेगा या लाइबिलिटी कम होगा आर के साथ फिर निधन नॉर सी के साथ फिर इधर और इसके अंदर सैलरी पेंशन वगैरह उसमें रीपेमेंट ऑफ बोरिंग एक्सपेंडिचर ऑन एक्शन आपको पता होना चाहिए इसके बाद गाइस बजट में हम लोगों ने डेफिसिट पढ़ा था डेफिसिट क्या होता है जब भी सरकार का खर्चा अगर रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं डेफिसिट डेफिसिट तीन प्रकार के थे रेवेन्यू डेफिसिट अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रेवेन्यू रिसिप्ट से फिस्कल डेफिसिट अगर टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो टोटल रिसिप्ट से याद रखना एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स तीसरा होता है प्राइमरी डेफिसिट जिसको हम बोलते हैं फिस्कल माइनस इंटरेस्ट ठीक है फिस्कल करंट ईयर इंटरेस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर यही मेन चीजें हैं रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इसके इसका ये सरकार की इन दिखाता है गवर्नमेंट डिस् सेविंग कर रही है पिछली सेविंग यूज कर रही है गवर्नमेंट हैज टू मेक डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल कैपिटल्स कैपिटल से पूरा करना पड़ेगा रेवेन्यू से तो हो नहीं रहा इसके बाद हम लोग ये बोलते हैं कि कैपिटल रिसेप्ट यूज करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा कंजम्पन एक्सपेंडिचर के लिए क्योंकि रेवेन्यू रिसेप्ट कम पड़ गई है उसके बाद हम बोरो करेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है उससे फर्दर बोरोइंग्स बढ़ती हैं और हम थोड़ा सा एक वार्निंग सिग्नल देखते हैं इसको ठीक है देन इसको ठीक कैसे करें या तो भैया खर्चा कम कर लो या रेवेन्यू बढ़ा लो यही दो ऑप्शन है आपके पास फिजिकल डेफिसिट क्या होता है फिजिकल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर्स ओवर टोटल रिसेप्स लेकिन बोरिंग्स को छोड़ के एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स से याद रखना इसके इंप्लीकेशन क्या है कर्जे में आ जाओगे डेट ट्रैप इन्फ्लेशन महंगाई होगी फॉरेन डिपेंडेंस बाहर वाली देश पे डिपेंड रहना पड़ेगा अपने पास तो पैसा है नहीं हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है कितना पैसा आपने बोरो करा किस पर्पस के लिए अदर देन इंटरेस्ट के लिए फॉर एग्जांपल फिस्कल डेफिसिट पांच करोड़ था और बोरो करा पांच सौ करोड़ इंटरेस्ट के लिए तो प्राइमरी जीरो आ जाएगा है चार सौ इंटरेस्ट था तो प्राइमरी सो आएगा इसका मतलब 100 करोड़ अदर देन इंटरेस्ट इट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ इंटरेस्ट जीरो हमने बोरो करा है फिजिकल और ये डिफरेंसेस का आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेसिक आपको सिर्फ एक बार रीड कर सॉर्टेड दन वी हैव नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्मेंट बजट गवर्मेंट बजट क्यों बनाया जाता है ताकि हम रियलोट कर सकें रिसोर्स को रियलोकेट कैसे करना है कि दो चीज़ें हो जाए प्रॉफिट मैक्सीमेशन भी हो जाए सरकार का थोड़ा बहुत और सोशल वेलफेयर भी हो जाए तो इस तरीके से बजट को बांटना है कि सोशल वेलफेयर भी और मैक्सीमाइजेशन भी हो जाए सरकार कैसे करती है जैसे अल्कोहल पर दुनिया भर का टैक्सेज लगा दिए तो लोग बोलते हैं कि अल्कोहल पर इतना टैक्स को लाते हो तो सरकार ये बोलती है कि भैया हम चाहते हैं तुम ना पियो तुम बचो तो इससे सोशल वेलफेयर भी कर रहे हैं और अपना रेवेन्यू मैक्सीमाइजेशन भी कर रहे हैं ठीक है इनक्वालिटीज़ कम करने की कोशिश करती है सरकार इक्वालिटीज़ कैसे कम होती है ये भी इंपॉर्टेंट है कैसे इनक्वालिटीज़ कम होगी रिच सेक्शन के ऊपर टैक्सेस लगाए जाएंगे पुअर्स को सब्सिडीज दी जाएंगी ठीक है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी बजट बनाया जाता है कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में कैसे मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज़ करना है पब्लिक एंटरप्राइजेस का भी ध्यान रखा जाता है जब हम बजट बनाते हैं एंड लास्ट इज रीजनल डिस्पैरिटीज़ को कम करना फॉरन एक्सचेंज रेट आप बहुत अच्छे से जानते हो हमारे देश की करेंसी के अलावा जितनी भी करेंसी हैं वो सब हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है जिस रेट पे वो करेंसी बदली जाएगी उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं जैसे डॉलर आज अगर आपको खरीदना है तो लगभग अस्सी रुपए देने पड़ेंगे तो दैट इज योर फॉरेन एक्सचेंज रेट ठीक है करेंसी डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन अगर मार्केट में करेंसी की वैल्यू कम हो रही है तो उसको हम करेंसी डेप्रिसिएशन बोलते हैं फॉर एक्जाम्पल आपको एक डॉलर के अस्सी देने पड़ते थे अब वो डॉलर अस्सी में नहीं आता एक डॉलर के नब्बे देने पड़ेंगे वैल्यू कम हो गया ना अस्सी रुपए का क्योंकि पहले अस्सी में आ जाता था अब नहीं आता इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं पहले एक डॉलर अस्सी में आता था अभी एक डॉलर चालीस में ही आ जाता है अस्सी में तो दो आते हैं तो अब देखो क्या हो गया हमारी करेंसी में अस्सी में जो पहले एक डॉलर आ रहा हूं अब दो आ रहे हैं वैल्यू बढ़ गया तो इसको बोलते हैं करेंसी एप्रिसिएशन ठीक है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एप्रिसिएशन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएशन एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर क्या फर्क पड़ता है अगर आप डेप्रिशिएट होते हो तो आपकी वैल्यू कम है तो सामने वाले को आप सस्ता पड़ोगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे आप महंगे हो तो आपके इंपोर्ट बढ़ेंगे ठीक है फिर एग्जाम्पल लिख देना कितने प्रकार के एक्सचेंज रेट होते हैं अगर गवर्नमेंट फिक्स करता है अपने आप तो उसको हम फिक्स एक्सचेंज बोलते हैं अगर मार्केट फोर्सेस से डिमांड सप्लाई से फिक्स हो रहा है तो उसको हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बोलते हैं अगर मार्केट फोर्सेस से हो रहा है लेकिन आरबीआई इंटरवीन करता है उसको स्टेबल करने के लिए तो उसको हम मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोलते हैं ये पता होना चाहिए फिक्सड ऑफिशियली फिक्स इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और एनी अदर करेंसी फ्लेक्सिबल जो डिमांड सप्लाई से होता है देर इज कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल इसमें कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता रेट जनरली स्टेबल रहता है उसमें रेट ऊपर नीचे होता रहता है मैनेज फ्लोटिंग क्या है दोनों का हाइब्रिड है ठीक है यानी फिक्स होगा मार्केट फोर्सेस से लेकिन इसके अंदर आरबीआई इंटरवीन करेगा देन वी हैव डीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन अगर गवर्नमेंट खुद से करेंसी का वैल्यू कम करती है उसको हम डीवैल्यू बोलते हैं ठीक है मार्केट फोर्सेस से हो रहा है तो डेप्रिसिएशन बोलेंगे गवर्नमेंट खुद कर रही है तो वो फिक्स एक्सचेंज सिस्टम में चलेगा खुद हो रहा है तो वो फ्लेक्सीबल में चलेगा ठीक है इट ड्यू टू गवर्नमेंट इट एक्सपेस ड्यू टू फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डोमेस्टिक रेजिडेंट डिमांड क्यों करते हैं करेंसी की ताकि इंपोर्ट हो सके टूरिज्म हो ट्रांसफर बाहर बाहर भेजने हैं तो एसेट बाहर खरीदने है, तो चाहिए ना, तो इस से ये सारी चीजें आपको, आपको नहीं पढ़ना मेरिट्स और डी बच्चे ये प्लीज ध्यान से कर लेना मेरिट्स और डीमेरिट्स बिल्कुल छोड़ के मत जाना फिक्स और फ्लेक्सीबल के एग्जाम में आ सकते हैं uh, क्या मेरिट्स हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के तीन तीन मेरिट्स भी आप कर लोगे तो चलेगा स्टेबिलिटी बनी रहती है देखो स्टेबिलिटी बनी रहती है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अच्छे से आता है इंटरनेशनल ट्रेड होता है ये इसके मेरिट्स हैं डीमेरिट्स क्या है आपको इसको फिक्स रखने के लिए फॉरन एक्सचेंज रिजर्व होने चाहिए आपके पास बहुत सारे जो कि यूजुअली देश के पास नहीं होते फिक्स करना काफ़ी मुश्किल है मैकेनिज्म ढूंढना काफ़ी मुश्किल है उसके बाद एक्सचेंज रेट्स कभी भी फिक्स रह ही नहीं सकता वो पर नीचे होता रहता है फ्लेक्सीबल की हम बात करें अगर तो मेरिट क्या है इक्विलिब्रियम बना रहता है भाई डिमांड सप्लाई दोनों खुश हैं कंज्यूमर प्रोड्यूसर इसके बाद बहुत सारा फॉरन एक्सचेंज की जरूरत नहीं है और ऑप्टीम यूटिलाइजेशन हो रहा है रिजर्वस का डी मेरिट्स की बात करूं तो इनस्टेबिलिटी होती है एक्सचेंज रेट का भी ऊपर का भी नीचे ट्रेड करने में प्रॉब्लम आती है स्पेकुलेशन के लिए लोग इसका फायदा उठाते हैं यानी सस्ते में खरीदते हैं महंगे में बेचते हैं और इन्फ्लेशन की सिचुएशन बन जाती है नेक्स्ट क्या आता है इस लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट ये मैंने आपको बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से समझाया था बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं चार चीजें इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन चार होती हैं गुड्स यानी कि विजिबल्स सर्विसेज यानी इनविजिबल्स यूनिलेटरल यूनिटर ट्रांसफर्स वन साइडेड कैपिटल ट्रांसफर्स यानी कि कुछ वो ट्रांजेक्शन जिससे हमारे एसेट्स या लाइबिलिटी पे इंपैक्ट आएगा ठीक है अब ये जो बीओपी है दो पार्ट्स में डिवाइड है करंट अकाउंट ऊपर होता है कैपिटल अकाउंट नीचे होता है ऊपर चार चीजें आती है विजिबल इनविजिबल यूनिटर और छोटी मोटी इनकम रेंटल इनकम इंटरेस्ट इनकम प्रॉफिट की इनकम कैपिटल में क्या क्या आती है तीन चीजें याद करो तीन चीजें कौन कौन सी आती थी बोरिंग्स एंड लैंडिंग स्टूडेंट फ्रॉम अब्रॉड Uh, उसके बाद इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड और चेंज इन फॉरन एक्सचेंज रिजर्व की रिजर्व से अगर विड्रॉ करा तो और रिजर्व में एड करा तो इसके बाद दो साइड्स होती हैं डेबिट साइड क्रेडिट साइड अगर पैसा आ रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे पॉजिटिव में लिखेंगे जा रहा है तो नेगेटिव में लिखेंगे डेबिट में लिखेंगे बस यही तो चैप्टर था देखो क्या है बीओपी अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड देता है सभी ट्रांजेक्शन का रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इसके बाद इट इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू विजिबल इनविजिबल विजिबल एंड कैपिटल ट्रांसफर्स ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये पूरे साल का होता है इसके बाद स्ट्रक्चर क्या है दो साइड है क्रेडिट जिसको पॉजिटिव बोलते हैं डेबिट जिसको नेगेटिव बोलते हैं अब इसके अंदर अगर दोनों साइड मैच हो जाए तो उसको हम बैलेंस बी बोलते हैं क्रेडिट ज़्यादा हो तो सरप्लस डेबिट ज़्यादा हो तो डेफिसिट बीओ क्या होता है अगर हम सिर्फ गुड्स गुड्स की बात करें यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स तो उसको हम बी बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड ये भी अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो सरप्लस इंपोर्ट ज्यादा है तो डेफिसिट इसके बाद बेटा जी बीओपी और बीओटी में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए इसमें पूरी डेफिनेशन लिख देना इसमें विजिबल इनविजिबल यूनिलेटरल कैपिटल सब आता है इसमें सिर्फ और सिर्फ विजिबल आते हैं इसमें इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल नेचर यहाँ पे कैपिटल का कुछ नहीं आता क्योंकि ये सिर्फ गुड्स हैं इट इज अ वाइडर कॉन्प्ट इट इज अरोप ठीक है उसके बाद अगर बीओपी अनफेवरेबल है तो वहां से कवर नहीं हो सकता अगर बीओटी अनफेवरेबल है तो यहां से कवर हो सकता है देन वी हैव टू अकाउंट कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट करंट अकाउंट हमारी करंट लेवल ऑफ इनकम को शो करता है कैपिटल अकाउंट सिर्फ और सिर्फ कैपिटल स्टॉक अगर चेंज हो रहा है तो वो दिखाता है ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है लास्ट में होता है वो भी अगर बीओपी पी जो है उसका करंट अकाउंट ऊपर नीचे हो रहा है प्लस माइनस हो रहा है तो उसको सही करने के लिए आता है इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट पूरे साल का होता है करंट अकाउंट में क्या क्या आ जाएगा विजिबल इनविजिबल यूनिटर और इनकम वगैरह आ जाती है इसके अंदर बोरिंग लैंडिंग इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम एंड फॉरन एक्सचेंज रिजर्व इसके बाद बच्चों एक छोटा सा डिफरेंस होता है ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स का इसने बहुत कंफ्यूजन बच्चों के मन में क्रिएट करा हुआ है बट छोटा सा टॉपिक है क्यों छोड़ते हो कर लो क्योंकि सिलेबस में लिखा नहीं है बट सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर दिया है उसमें दे दिया तो हम क्यों छोड़ें यार क्यों रिस्क लें कर लो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होती है जो प्रॉफिट मोटिव के लिए करी जाती है यानी इनका मकसद पैसा कमाना होता है करंट अकाउंट में लिखी जाती है सारी अकोमोडेटिंग वो ट्रांजेक्शन है जो जो करंट अकाउंट है उसको कवर करने के लिए या फिर उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है पैसे की जरूरत है तो उसको पूरा करने के लिए करी जाती है उनको हम अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस बोलते हैं द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विच टेक्स प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और ये ट्रांजेक्शन जो कवर डेफिसिट और सरप्लस परफेक्ट ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन इंडिपेंडेंट होती है कोई फर्क नहीं पड़ता बीओपी में क्या चल रहा है ये बीओपी के हिसाब से होती है ठीक है ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन दोनों जगह हो सकती है करंट कैपिटल में ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल में ही होंगी राइट इनको अब द लाइन बोलते हैं करंट अकाउंट वाली होती है यूजली सारी इनको बिलो द लाइन बोलते हैं ये ऑटोनॉमस uh, और अकोमोडेटिंग में डिफरेंस होता है तो वाइज ये एक ऐसा रिविजन है जो रिविजन है है ना तो रिवीजन करने में आपको ये वीडियो काफी मदद करेगी और 2x पे देखो तो 30 मिनट में तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा तो जितनी बार चाहो उतनी बार रिवाइज कर सकते हो और बहुत अच्छे से तुम्हारा सारी चीजें कवर हो जाती हैं ऑल द वेरी बेस्ट एवरी मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में इंडियनो के रिविजन के साथ तब तक आप इसको कर लो और फोड़ने की तैयारी करो